शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे एक युवक ने शादी के दौरान बंदूक से हर्ष फायर कर दिया। फायरिंग के कारण छल्ले लगने से बारात में शामिल होने पहुंची एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गोली चलाने वाला भाग गया। घटना के बाद पुलिस ने हर्ष फायर करने वाले आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। विजय नगर पुलिस ने बताया कि रात श्रीवास्तव परिवार का विजय नगर में SBI चौक के पास में शाही पैलेस में शादी समारोह चल रहा था और रात करीब 10:30 पर सभी लोग समारोह में खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान बिलहरी निवासी अजय सिंह बघेल नामक युवक ने बंदूक से हर्ष फायर करना शुरू कर दिया। हर्ष फायर के दौरान बंदूक लोड करते हुए एक गोली नीचे चल गई और जिस कारण से बारात में शामिल होने के लिए पहुंची 55 आशा दीक्षित को छर्रे लग गए और वह घायल हो गई। और हर्ष फायर के दौरान छर्रे लगने से महिला के घायल होने के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी अजय फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची विजयनगर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आरोपी अजय सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 308 का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी पकड़े गए कल रात्रि की ये घटना है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक शाही पैलेस है, वहाँ एक विवाह समारोह के दौरान एक अजय सिंह बघेल के द्वारा विवाह समारोह में एक फायर किया गया, हर्ष फायर उसको बताया उसने, और उसमें लोड करते समय फायर हो गया जिससे वहाँ उपस्थित 3 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। वो तीनों ही मेट्रो हॉस्पिटल में उपचाररत हैं और आउट ऑफ डेंजर हैं। वो आरोपी अजय सिंह बघेल को रात में ही राउंड अप कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।